अभी तक नींद नहीं आ रही है ना? अरे अभी तक सोया नहीं ना तू? अरे इतने रातों रातों तक कहाँ खोया खोया सा है? लगता है आज तेरा दिल बहुत सैड हो गया है। लगता है आज उसकी यादें तेरे को बहुत आ रही है। लगता है आज से फिर तेरे जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। लगता है आज तेरे को अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है। लगता है आज फिर उसकी यादों ने तेरे को तोड़ दिया है। लगता है आज तू फिर देवदास बन गया है और उसकी यादों को समेट कर रोए जा रहा है। लगता है आज फिर तेरा गुजरा हुआ पल तेरे ऊपर हावी हो गया है और उसके प्रति तेरा प्यार फिर से जग गया है। तो सुन मेरे भाई, जिस प्यार ने तेरे को कमका छोड़ दिया है और आज तो उसी प्यार के लिए रो रहा है। अबे साले अपने दिल को इतना इमोशनल मत बना और ध्यान से सोचना, कौन सा प्यार और किसका प्यार? वो प्यार जिसने तेरे को देवदास बनाकर लात मार दिया, या फिर वो प्यार जिसने तेरे को तड़पते हुए अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, या फिर वो प्यार जिसने तेरे को कुत्ता कमीना कह के भगा दिया, या फिर वो प्यार जिसने हमेशा तेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, या फिर वो प्यार जिसने तेरे फीलिंग को कभी समझा ही नहीं? अरे भाड़ में गया तेरा प्यार, अरे मर गया से तेरा प्यार। तो अबे साले आज ही उसको भुलाकर अपने आप को तपाने बनाने स्वर्ण में लगा दो, क्योंकि तू देवदास नहीं सबका बाप है। अरे तू देवदास नहीं है कि तू उसके लिए उसके याद में बैठ के रोएगा। अरे तू देवदास नहीं है कि तू किसी एक इंसान के लिए अपने माँ बाप के अरमानों का गला घोट देगा। अरे तू देवदास नहीं है कि तू किसी एक के लिए अपने आप को बर्बाद कर लेगा। अरे तू देवदास नहीं सबका बाप है बे। तो मार भगा उसके फीलिंग को, तो मार भगा उसकी याद को, मार भगा अपने दरिया दिल को, मार भगा अपने इमोशनल दिल को, क्योंकि तू देवदास नहीं सबका बाप है बे। अबे अब अपने लाइफ को फुद्दू मत बना, बल्कि अब अपने आप को एक दरिया दिल बना जिसमें कितने भी लोग आए जाए फिर भी तेरे को घंटों फर्क ना पड़े। तो जीवन जीने का यही अंदाज रखो, तभी जाकर तू सेट नहीं हो पाएगा, तभी जाकर तेरे ऊपर किसी के धोखा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी जाकर उसकी याद को अपने ध्यान से भटका पाएगा। और एक और बात अच्छी तरह से समझ ले कि आज तेरे प्यार को कोई धोखा दे रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि अभी तू किसी के प्यार के काबिल नहीं बना है। तो सबसे पहले अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बनाओ, क्योंकि जब तू सक्सेस को प्राप्त कर लेगा ना, तब तेरे से प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे।